रिजल्ट्स तो हाँ जी बेटे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटे जरूर पता होना चाहिए कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या है। जब भी आप बात करते हैं बेटे पोटेंशियल एनर्जी की, सो वी ऑलवेज से दैट कि किसी भी बॉडी की पोजीशन एंड कॉन्फिगरेशन की वजह से जो एनर्जी है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। जैसे लास्ट टाइम बेटे हमने कहा था कि मोशन की वजह से एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी। सो किसी भी ऑब्जेक्ट के केस में बेटे जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बेटा बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और बेटे कॉन्फिगरेशन। पोजीशन या कॉन्फिगरेशन की वजह से जो एनर्जी है इसको बेटे हम बोल देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सा फॉर्मूला है इसके लिए। ये इमेजिन कर लीजिए आपका ग्राउंड लेवल है बेटा और ग्राउंड लेवल पे आपने एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा है। लेट इट बी द ऑब्जेक्ट बेटा हैविंग मास से स्मॉल एम बेटा। डियर चिल्ड्रन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डब्ल्यू जो है इट विल बी एक्टिंग वर्टिकली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बेटे। अब आप क्या करिए इसको बेटे अपलिफ्ट कर लीजिए आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स एफ इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड इमेजिन आपने इसको बाई ए वर्टिकल डिस्टेंस एच बेटा रेज कर दिया। फिर से ध्यान दीजिएगा स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट है, वेट इसका वर्टिकली बेटे डाउनवर्ड एक्ट करेगा और इसके वेट के एक्ट करते करते आपने अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया और इसको ग्राउंड फ्लोर से लेकर आप फर्स्ट फ्लोर तक ले गए या एच आई तक ले गए मान लीजिए। और बेटे आपको जो फोर्स अप्लाई करनी है यहाँ पे एफ जो है ये कम से कम आपका वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर जरूर होना चाहिए। अगर इसके बराबर फोर्स नहीं होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू लिफ्ट दिस ऑब्जेक्ट इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। और फर्दर मोर अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में इसको विदाउट एनी एक्सेलरेशन लेके जा रहे हो तो आपका फोर्स एग्जैक्टली इतना ही होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो इसका अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा आपका। राइट बेटे फिर से ध्यान दीजिएगा एक बार मैं क्या कहना चाहता हूं। ये वाली फोर्स आपकी इसके बिल्कुल बराबर है आपका इसका मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में, देन आप एक्सेलरेटेड मोशन नहीं कहोगे, यूनिफॉर्म हो गया ना मोशन बेटा। और आपने इसको एच हाइट के साथ इस लेवल पे एडजस्ट कर दिया। आप लोगों को वर्क कितना करना पड़ेगा दैट विल बी एफ डॉट एस होता है। अब जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स अप्लाइड है एस बी उसी डायरेक्शन में वर्टिकल है बेटा एस बी। और अगर ये आपका दोनों सेम डायरेक्शन में है इट विल बी एफ एस कॉस जीरो कह दें बेटे। और डियर चिल्ड्रन एस तो आपने एच के बराबर कह दिया और वर्क डन फिर आपका बन गया। एफ आपका देखिए एम जी के बराबर आप ऑलरेडी कह चुके हो, एस आपका एच के बराबर आ गया। एंड वी से दैट कि आपने जितना भी वर्क किया है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क डन आपका जो है बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू एम इन टू जी इन टू एच। तो ये कोई डेरिवेशन का नहीं इतना बड़ा है, ये वैसे ही आपको समझाने के लिए है। हाँ जी पुत्र, हाँ 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 आप रिएक्शन कह लो एक ही बात है। हाँ रिएक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन इज ऑन द बॉडी। आपने जितना इसका एक्शन है या रिएक्शन है बिल्कुल उसके बराबर का ही फोर्स लगाना है ताकि आपका अप्लाइड फोर्स इस एक्शन को खत्म कर दे, बैलेंस कर दे। तो अगर बैलेंस हो जाएगा तो नेट फोर्स विल बी जीरो। एंड बेटे बहुत ही ध्यान से सोचिएगा अगर नेट फोर्स जीरो है तो बेटा एम इंटू ए जीरो हो गया, एम तो जीरो हो नहीं सकता, इट विल मीन दैट एक्सेलरेशन विल बी जीरो और आपका अपलिफ्ट करने वाला जो मोशन है दैट विल नॉट बी एक्सेलरेटेड वन। यही बात मैं कह रहा था, ठीक हो गई बात बेटे नमन।
अंजलि अदिति सॉरी। सो छोटा सा कंसेप्ट, इसमें आप लोगों को एक एग्जांपल अगर मैं बेटे दे दूं तो आपने वो एक हमारा होता है हम वाइंड अप कर देते हैं क्लॉक को या टॉय, कई बार छोटे बच्चे होते हैं वो की को वाइंड अप कर देते हैं, वो की ओपन होती रहती है और वो टॉय थोड़ा मूव कर जाता है फिर रुक जाता है, जिसको चाबी दे देते हैं बोलते हो ना आपकी चाबी दे के वो खिलौना छोड़ दिया या घड़ी है आपकी। फ्यू ईयर्स बैक अगर चले जाएं तो आपकी मैकेनिकल वॉचेस हुआ करती थी, इसको चाबी देनी पड़ती थी, आपने देखा कि नहीं, आप लोगों ने वो जमाना देखा नहीं है ना। एनी हो बेटा, आपकी लेबोरेटरी में भी कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जैसे आपको वो मैं प्रीवियस पीरियड में दिखा रहा था आपका टाइम नोट करने के लिए क्लॉक, उसको भी वाइंड अप करना पड़ता है। उसके अंदर एक बेटे स्पाइरल स्प्रिंग लगा रहता है, ये थोड़ा आपको मैं गाइड कर दूं, एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन एंड पोटेंशियल एनर्जी बच्चों रिलेटेड है। ये आपके पास एक स्पाइरल स्प्रिंग है बेटा, कुछ इस तरीके का होता है ये, आप इसको जब वाइंड अप कर देते हो ये इस तरीके का स्प्रिंग है, आपने इसको वाइंड अप किया जब बेटे, तो वाइंड अप करने के बाद ये थोड़ी कम स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, फिर ये धीरे धीरे जो है ओपन अप होता रहेगा, अनवाइंड होता रहेगा, और आप इसको जब वाइंड अप कर देती हो तो आपका वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। ये स्पाइरल स्प्रिंग का केस है, स्पाइरल स्प्रिंग के केस में आपकी इसकी कॉन्फिगरेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बेटे इसमें स्टोर्ड रहती है। एक दूसरी बात और करूंगा मैं, ये इमेजिन कर लीजिए आपके पास एक बेटे हॉरिजॉन्टल आप लोगों ने स्प्रिंग इमेजिन किया, ये एक आपके पास स्प्रिंग है, आपने इस तरफ एक हुक अटैच करी हुई है, इतना स्प्रिंग का लेंथ है, ठीक जी। अब आपने बेटे क्या किया, इस हुक में अपना फिंगर ऐसे एडजस्ट करके इसको इलोंगेट कर दिया, कर दें, चलिए करके देखते हैं क्या होता है। ये सेकंड सिचुएशन में आपने इसको इलोंगेट किया स्प्रिंग को, तो जरा चेक करिए डियर चिल्ड्रन, ये कुछ ऐसी चीज हो जाएगी, हो जाएगा ना पुत्र, आप यहां से मेजर कर लीजिए, ये इतना आपका स्प्रिंग में इलोंगेशन हो गया, स्प्रिंग लेंथ ही हो गया ना बेटे, पहले से लेंथ उसकी बढ़ गई। अब बात नोटिस करने वाली ये है कि आपने इस पे फोर्स लगाई हुई थी इस तरफ, दिस इज द अप्लाइड फोर्स, इसको मैं एफ ही कह देता हूं सिंपली, स्मॉल कहना बड़ा कहना जैसे मर्जी कह लो। कभी आप अगर इसको अपने फिंगर को निकाल लें यहां से, जब स्प्रिंग वापस चला जाता है अपनी पोजीशन पे, वो कौन सी फोर्स है जो उसको वापस ले जाती है, दैट इज नहीं नहीं फोर्स नमन, कौन सी फोर्स है जो वापस ले जाती है, सहज नहीं सुनाई नहीं दिया, कौन सी समझ गया, सर रिस्टोरिंग फोर्स, सर रिस्टोरिंग फोर्स, ओके ओके ठीक है ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स एग्जैक्ट नाम है उसका, ठीक है जी। साइंटिफिकली आप कहोगे कि इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इसके बिल्कुल बराबर डेवलप हो जाता है, अगर आप इसको ज्यादा इलोंगेट कर देते हो तो रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ जाएगा, ये एक्सटेंशन भी बढ़ जाएगी, ज्यादा जोर से खींच दोगे ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है, उतनी जल्दी से वापस भी आएगा क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ गई है। इट विल मीन दैट कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है डायरेक्शन इसकी देखिएगा जरा, ये रिस्टोरिंग फोर्स है ना, रिस्टोरिंग फोर्स की बच्चों डायरेक्शन जो है ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के उल्टी है, इलोंगेशन की डायरेक्शन के, राइट बेटा, इसका मतलब है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है आपका नेगेटिव ऑफ द एक्सटेंशन पे डिपेंड किया, अरे किया ना पुत्र नमन, एफ रिस्टोरिंग फिर आपका किसके बराबर आ गया, के
दिस इज बेटे कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। आपको टर्म पूछते हैं पेपर में, वो कहते हैं कि स्प्रिंग कॉन्स्टेंट क्या होता है जी, इसके यूनिट बताइए। तो यूनिट के लिए आप क्या करोगे, इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाई एक्स, न्यूटन पर मीटर आ जाएंगे इसके यूनिट्स, ध्यान रखिएगा। ठीक, रिस्टोरिंग फोर्स आपने बच्चों निकाल ली। अब अगर रिस्टोरिंग फोर्स कितनी है तो आपकी अप्लाइड फोर्स कितनी होगी, सहज अपोजिट डायरेक्शन में, वेरी राइट। तो ये जैसे हमने ऑलरेडी लिख रखा है, आपका अप्लाइड फोर्स उत्तर जी माइनस एफ रिस्टोरिंग के बराबर आ गया, लिख दूं ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और आपका अप्लाइड फोर्स फिर माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, ये बात समझ में आ गई क्यों प्लस हुआ, समझ आ गई बच्चों, बोल दिया करो थोड़ा सा उत्तर। और आपने अब क्या किया, बाई ए स्मॉल अमाउंट डी एक्स, यहां तक तो आपने स्ट्रेच कर रखा था, आपने अपनी फिंगर से इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच किया, डी एक्स और स्ट्रेचिंग कर दी, तो आपको एडिशनल वर्क करना पड़ेगा। आपने जितना उसको ऑलरेडी स्ट्रेच कर रखा था उसके इन एडिशन टू दैट आपने डी एक्स और इसको एक्सटेंड किया, तो वर्क डन नमन कितना होगा इतनी एक्सटेंशन के लिए, हाँ जी नहीं ऐड तो हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इतनी एक्सटेंशन के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा आपको। अरे पुत्र, थोड़ी सी एक्सटेंशन, थोड़ा सा वर्क डन एंड यही फार्मूला है, ऐसा है, जिस तरफ आपकी फोर्स अप्लाइड है एक्सटेंशन भी उसी डायरेक्शन में है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बताइए, है पॉसिबल। तो ये आ गया एफ डी एक्स आ गया, क्या कहते हो बच्चों, आ गया ना इतना, एफ की वैल्यू पुट कर दो जो कहां निकाली थी हमने, ये दिस इज के एक्स डी एक्स आ गया, राइट। अब टोटल वर्क डन फॉर एन एक्सटेंशन एक्स कितना होगा, टोटल वर्क डन इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू कर लेंगे एंड इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल के एक्स डी एक्स, आपने जीरो से लेकर एक्स तक एक्सटेंड किया स्प्रिंग को, राइट। और ये डायग्राम बन गया था ना आपका, इट विल बी वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, के आपका कॉन्स्टेंट है, जीरो टू एक्स एक्स डी एक्स कर ले, नमन एक्स का इंटीग्रल, एक्स का इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स कितना होगा, सुनाई नहीं दे रहा बेटे, इसको थोड़ा नीचे कर लो, एक्स का इंटीग्रल एक्स थोड़ी होगा बेटे, क्या बात करते हो सहज, नहीं 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 नहीं, आप एक्स स्क्वायर पॉइंट टू, एक्स की पावर वन है, आपने कहा था एक्स की पावर वन प्लस वन, ये फॉर्मूला किया था हमने एक्स की पावर एन का, है ना, माइनस वन नहीं पावर होनी चाहिए, वहां पे लॉग के बराबर आ जाता था, किया था। सो आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में आ जाएगी कि ये ऐसे ही रह गया, एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो टू टू कर दे, सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग 1 बाई टू के एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाती है, इसका खास ध्यान रखना है आपने, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग व्हेन इट इज गिवन एन एक्सटेंशन इक्वल टू एक्स, नमन समझ आ गई बात, जैकलिन चले फिर आगे, अच्छा नोट करना फटाफट कर लीजिए बेटा क्विकली, चले आगे फिर। कोशिश करूंगा सैटरडे तक आपका खत्म कर दूं सिलेबस, फिर रिवाइज करना स्टार्ट करें अलोंग विद द न्यूमेरिकल्स बेटा।
ठीक जी, हो गया। देन बेटा डियर चिल्ड्रन, हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर तो हम वो स्टार्ट किया था, पहुंच गए कहीं और। चलिए ये भी आपका करने वाला था कंसेप्ट, सो हो गया बेटे। लिख लीजिए नाउ बेटा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटे लेट अस सी व्हाट डू वी मीन बाय दिस प्रिंसिपल एंड हाउ वी कैन अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू गो फार विद द डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ द सेम। बेटे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा, इसमें बेटे ये कहा जाता है कि टोटल एनर्जी जो है आपके ऑब्जेक्ट की दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, हाउएवर देयर मे बी पोटेंशियल एनर्जी गेटिंग चेंज्ड इनटू द काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा, बट टोटल एनर्जी सेम रहेगी बेटा। ये जो प्रिंसिपल है बेटा इट स्टेट्स दैट द नेट एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं जो कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर है। नेट एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट बेटा, राइट बेटे। आइए जरा समझने की कोशिश करें, एक फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट लेकर उसके साथ ये समझते हैं। ये इमेजिन कर लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है स्मॉल एम, इसका मास है और ये ए पॉइंट पे आपने इमेजिन किया। तो इनिशियली जब आप इसको ड्रॉप करोगे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, ये मूव करता 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 ये बी पॉइंट पे पहुंच गया और इसने एक्स के बराबर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई बी। जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ये देखिए बिल्कुल ग्राउंड के साथ टच नहीं करवाया मैंने, स्लाइड थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी वी डैश हो गई है। टोटल हाइट इसकी एच थी ऑब्जेक्ट की, इट विल मीन दैट कि ये वाला जो हाइट है सी पॉइंट का बी से एच माइनस एक्स के बराबर हो जाना चाहिए, राइट जी। डायग्राम समझ में आ गया बेटा, टोटल हाइट एच है, ए से लेकर बी तक एक्स है, बी से लेकर सी तक एच माइनस एक्स अपने आप हो गया। अब आइए देखें जस्टिफाई करके कि क्या ये टोटल एनर्जी जैसे हमने कहा है ये कांस्टेंट आती भी है कि नहीं आती है। आइए बेटे कंसंट्रेट करें इस चीज पे, ए पॉइंट पे आइए देखें क्या हो रहा है। एट ए, ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी आपके ऑब्जेक्ट की जो है दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है पुत्र, ये तो वेलोसिटी जीरो थी इसकी, इट विल मीन दैट कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है ये नहीं है, बिल्कुल भी काइनेटिक एनर्जी पोजेस नहीं कर रहा आपका ऑब्जेक्ट, इट इज हैविंग जीरो जीरो इसकी वेलोसिटी थी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई बेटा। अब आप क्या करिए, पोटेंशियल एनर्जी एम इंटू जी, हाइट टोटल एच है तो इट विल बी इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच आ गया जी। देन एट पॉइंट बी अगर बात करें, बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है और हमें पता भी नहीं है कितनी है वेलोसिटी, हमें पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी बी पॉइंट पे बेटा। उसके लिए आपका वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू टू ए एस लग जाएगा इक्वेशन। ये फ्री फॉल में है ऑब्जेक्ट आपका, ए विल बी इक्वल टू जी, एस विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, ए से लेकर बी तक डिस्टेंस एक्स, और यू आपका कितना था जीरो था, इसमें पुट कर दो सारी वैल्यूज, आपके पास वी स्केयर आ जाएगा टू जी एक्स के बराबर आ गया। अब टोटल एनर्जी फिर आपके पास आ गई
1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा mg, कितनी हाइट है बी पॉइंट की h-x, राइट बेटा mg h-x किया हमने, बी स्केयर की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, इट विल बी 1/2 m एंड इट इज 2gx बेटा प्लस mg h-x, 2 से 2 कट गया, mgx प्लस mgh माइनस mgx खत्म, और ये आ गया जी mgh के बराबर, टोटल एनर्जी आपकी उसके बराबर ही रह गई। लेकिन एक चीज आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, यहाँ पे थोड़ी कम हो गई है। मतलब जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेटे मूव कर रहा है, तो आपके ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो रही है, और सॉरी बढ़ रही है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज बिकमिंग बेटा लेस। सी पॉइंट आपका जो है जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, यहाँ पे हाइट प्रैक्टिकली कितनी है, जीरो। सी पॉइंट पे चलिए मैं सेपरेटली कर देता हूं, ये हो गया आपका नोट बेटा, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं। आइए फिर सी पॉइंट पे भी देखें हम कैसे डिस्कशन कंप्लीट कर सकते हैं एट द पॉइंट सी बेटा, एट सी बेटे सी पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी तो बेटा जीरो हो गई, क्योंकि इट इज जस्ट अबव द ग्राउंड है। काइनेटिक एनर्जी के लिए आपका काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² के स्क्वायर के बराबर है, और v डैश हमें पता नहीं है, वो निकालना पड़ेगा। आप एक बार फिर से थर्ड इक्वेशन अप्लाई करिए बेटा और निकाल के देखिए v डैश कितना आता है, ऑल ऑफ यू बेटा, आप v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर 2as आप जानते हो, v आपका v डैश के बराबर, स्मॉल u आपका जीरो, a आपका g के बराबर, एंड बेटे h कितना है रमन, h के बराबर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस a से लेकर c तक जो है h के बराबर आ गया। पुट कर दीजिए v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh आ गया, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, दिस इज 1/2 m 2gh गेटिंग कैंसल्ड, mgh आ गया, टोटल एनर्जी आपकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम, इट इज अगेन वन एंड द सेम mgh। तो आप नोटिस कर रहे होंगे काइनेटिक एनर्जी अब सी पॉइंट पर टोटल एनर्जी के बराबर ही हो गई है, और पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गई है। सो जब आपका ऑब्जेक्ट बेटा फ्री फॉल की कंडीशन में है, जैसे जैसे ये नीचे आई जा रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, एंड जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदल गई, प्रोवाइडेड टोटल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं, वो कॉन्स्टेंट ही रहती है। राइट बेटे, देखो इसको कोई बात आपकी पूछने वाली है तो, इधर अंजलि, हरनूर, ख्याति, मनजोत, राघव, रमन, देन दिलजीत, देवनूर, दिया, गुरसिमरन, दृष्टि, हरमन एंड मिताली एंड प्रभदीप कौर, बेटा सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है, अगर कोई बात है पूछने वाली तो बताइए, सो दैट द सेम कैन बी रिपीटेड। यस बेटे, डियर ऑल, ओके, वेल बेटे, वेल। तो चलिए बेटे फिर इसके बाद छोटा सा कंसेप्ट है मेरा, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, ये काफी इम्पोर्टेंट भी है, और इसको हमें थोड़ा 2-3 मिनट के लिए एनालिटिकली देखना भी पड़ेगा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी हैं एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हैं ये हमारी कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं। थोड़ा बहुत पता है आपको कि नहीं इनके बारे में, नमन, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव बेटा, नॉट नोन, तो आइए देखें, कंजर्वेटिव
एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बेटे क्या होती हैं, आइए बेटे इनके ऊपर फोकस करें। कंजर्वेटिव फोर्सेस बेटे वो फोर्सेस हैं जो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाओ और उस फोर्स के अप्लाई करने के बाद आप यू मस्ट बी परफॉर्मिंग सम वर्क ऑन दैट ऑब्जेक्ट बेटा, अगर वर्क डन उस फोर्स ने जितना वर्क किया है वो पाथ पे डिपेंड ना करे, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करे, देन वी से दैट कि वो फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाई दैट फोर्स डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। एग्जाम्पल लूंगा एक, ये स्टूडेंट यहां से उठा, अदिति उठी यहां से, इसने स्कूल का एक चक्कर लगाया और वापस आके यहीं बैठ गई। तो इनिशियल पोजीशन मान लीजिए सेकंड टेबल पे बैठ गई, ये फाइनल पोजीशन हो गई। और अगर आप डायरेक्टली यहां से यहां बैठ जाते हैं तो भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिफरेंस आपका बराबर उस केस में नहीं है, लेकिन वर्क डन जो है आपका बिकॉज इस केस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर इफ डिपेंडेंट है तो आपका फोर्स कंजर्वेटिव आएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आपको कहा गया है कि आप इस रूम से लाइब्रेरी में चले जाइए, ठीक। जनरली बच्चे कहते नहीं जी मैंने थोड़ा सा पानी भी पीना है, मैं इधर से चक्कर लगा के फिर जाता हूं। तो एक बच्चा पानी पीने चला गया, पानी पीते पीते उसने कहा चलो उधर से देखते हैं कैंटीन खुली है कि नहीं, थोड़ा और आगे चला गया, अल्टीमेटली लाइब्रेरी में पहुंच गया। हाइट हमें पता लग गया कितनी है यहां से और वो हाइट तक, एच तो उतना ही रहा। आप चाहे यहां से जिधर से मर्जी घूम कर आ जाइए तो, लेकिन दोनों केसेस में आपका वर्टिकल हाइट सेम है, तो उस केस में वर्क डन आपका सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंडेंट है। तो दैट इज वाई द वर्क डन इन दैट केस भी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, और आपकी वो फोर्स जो होगी कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशनल होगी फिर वो, दैट इज कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स वैसे भी कंजर्वेटिव ही होती है। और आप लोगों ने एक और भी देखा होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आप पढ़ते हो काफी ज्यादा डिटेल में, पढ़ा भी था आपने, ये एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ पे डिपेंड करती रहती है। जितना ज्यादा आप पाथ कवर करोगी उतना ज्यादा आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, ये सारे के सारे पाथ की लेंथ पे डिपेंडेंट होती है कि कितना आपने पाथ कवर किया है, तो वो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेटे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काउंट करेंगे। सो कंजर्वेटिव फोर्सेस बेटे क्या होती हैं, वी कैन से दैट बेटा ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाई दैट फोर्स depends upon the initial and final positions only and is independent of द पाथ। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका बेटे ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी आप लूजली स्पीकिंग कह सकते हो। अगर बेटा मैं इसको प्रूव करना चाहूं कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये जी कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव की बात मैं करता हूं अभी बाद में, ध्यान दीजिएगा। आप ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है, एम इसका मास है, आप इसको थ्रू ए वर्टिकल हाइट एच आप लिफ्ट कर देते हो,
ठीक है जी। अभी अभी हमने निकाला था वेट mg डाउनवर्ड है, फोर्स आपको f अपवर्ड लगाना पड़ेगा, और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी आपकी जहां वर्क डन mg h के बराबर हमने निकाला था ना बेटा, राइट। अब बिल्कुल जरा ध्यान से देखिएगा डियर चिल्ड्रन, हाइट सेम ही है लेकिन अब हम इस पाथ के अलोंग जा रहे हैं। ये एंगल मान लीजिए थीटा है, आप इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जा रहे हो, आप सीधा मूव नहीं करे, आपका ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ा है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। इसका वेट mg जो है दैट विल बी एक्टिंग वर्टिकली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। और बच्चों ये एंगल आपका थीटा रहेगा, इट विल बी mg cos थीटा एंड इट विल बी mg sin थीटा। आप इस पर फोर्स लगा रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन में और आप इसको a से लेकर b तक मूव करवाना चाहते हो, और b से लेकर c तक हाइट h के बराबर है। एक मिनट दूंगा आपका, ठीक है जी। इस केस में डियर चिल्ड्रन वर्क डन आप बता सकते हो कितना होगा, एनी वन फ्रॉम योर साइड बेटा, W विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स जितनी भी है मल्टीप्लाइड बाय द पाथ लेंथ ए भी कर दूं मैं, अरे फोर्स इनटू डिस्टेंस ही होगा, फोर्स आपका ये लगा पड़ा है, डिस्टेंस आप ए से लेकर बी तक ही गए, हम ये तो लेंगे नहीं क्योंकि हम तो ऐसे मैं उसी पे आ रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। फोर्स आपका ये वाला जो है कम से कम इतना होना चाहिए mg sin थीटा के बराबर मिनिमम, अगर इतना नहीं होगा तो आप मूव नहीं कर पाओगे, है ना। आई मीन टू से दैट ये वाला फोर्स अगर इतने के बराबर है तभी आपका ऑब्जेक्ट विदाउट एनी एक्सेलरेशन बी पॉइंट पे पहुंचेगा, राइट। तो ए भी आपने ऐसे लिख दिया बच्चों, तो W कितना बन गया mg, नमन जरा साइन थीटा बताना डायग्राम देख के किसके बराबर होगा, BC अपॉन AB होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटन्यूज ही होता है पुत्र जी, क्या कहते हो बच्चों, ठीक है AB से AB कैंसिल कर दें, करना पड़ेगा। और BC कितना हुआ फिर हमारा h के बराबर का हुआ है, तो वर्क डन अगेन mg h के बराबर आ गया, इसके बराबर ही आ गया, सो दैट इज वाई बी से दैट बेटा वर्क डन क्योंकि पाथ पे डिपेंड नहीं किया। सेकेंड केस में देखो आप किधर से जा रहे थे, फर्स्ट केस में किधर से जा रहे थे, सो दैट इज वाई वी विल से दैट बेटा आपका इस केस में वर्क डन क्योंकि पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे ही डिपेंडेंट है, दैट इज वाई दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव, और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दैट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। बाकी फिर बेटे कल कर लेते हैं, थैंक यू ऑल बेटा।